भैया भिंडी स्टॉप किधर है? अंडा मोड़ पे अंडे नहीं मिलते, ठीक है? बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है। अजी तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये है दोस्तों 4K चुरंगी। इधर अच्छा, जावेद वाला रास्ता जा रहा है और ये जा रहा है हब चौकी की तरफ। हाँ, ये हब चौकी की तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान की तरफ भी जा रहा है। यही सीधे हाथ पे बलूचिस्तान की तरफ जाएगा, उल्टे हाथ पे जो है ना वही कलंद्रिया की तरफ निकलेगा ना। ये कौन सा इलाका है? नॉर्थ कराची का करेला स्टॉप है। करेला भैया भिंडी स्टॉप किधर है? और ये प्याज आलू प्याज टमाटर वाला जो है ना चौक किधर है? अच्छा, अंडा मोड़ पे अंडे नहीं मिलते, ठीक है? करेले चौक पे करेले नहीं मिलेंगे, ऐसा ही है? अच्छा, तो ये चक्कर है यहाँ का। नागन चौरंगी पे नागन नहीं मिलेगी। अच्छा, नागन चौरंगी पे नागन नहीं मिलेगी, वहाँ सिर्फ नागन बनाने। नागन 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 जिंदगी में ये चुप है, सिलो कर। जिंदगी में चार मोड़ आएंगे, एक अंडा मोड़ आएगा, जोहर मोड़ आएगा, इसको मोड़ आएगा, बाकी हमारा बाबा मोड़, बाबा मोड़, बाबा मोड़, बाबा मोड़, क्या मोड़, बाबा हैंडल मोड़। अच्छा, ये क्या नाम है इसका? ये कौन सा DPS स्कूल है ये? अच्छा, ये दोस्तों ये रास्ता जो है ना ये जा रहा है सीधा हब चौकी की तरफ, यानी कि बलूचिस्तान की तरफ निकलता है ये रास्ता ना। तो अगर हम सीधा निकलेंगे, यानी कि सीधे हाथ से निकलेंगे तो जाएगा बलूचिस्तान की तरफ, हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ। बहुत पहले जो है ना मैं आता था यहाँ पे ना, वो हमदर्द यूनिवर्सिटी जाता था ना मैं बुक्स सप्लाई करने के लिए। तो बलूचिस्तान का एरिया लगता था ये, अब ये कराची का एरिया लगता है। बलूचिस्तान छोटा होता जा रहा है, पता नहीं बड़ा होता जा रहा है, क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। बलूचिस्तान का ही एरिया लगता है समझ लो ये। तो ये बाबा मोड़ की तरफ हम जा रहे हैं, और बाबा मोड़ से जब उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो सीधा ये जाएगा कलंद्रिया चौक की तरफ रोड। फिर अगर हम ऐसे मुड़ जाएंगे तो ये जाएगा बलूचिस्तान की तरफ। देखें, सिंध बलूचिस्तान, ऐसे मछली की तरह। तो ये आ गया बाबा मोड़। अब हम बाबा मोड़ से उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ पर न्यू क्वेटा अल मदीना होटल आ गया कोने पे। ये आ गया दोस्तों वो रोड जहाँ आपने कभी जिंदगी में यहाँ से गुजर हुआ होगा या नहीं गुजरा होगा। कभी यहाँ पर जो है ना कारपेटिंग नहीं हुई, कारपेटिंग होती है, देखें ये थोड़ी सी हुई हुई है, यानी कि होती है फिर टूट जाती है, होती है फिर टूट जाती है, लेकिन कोई मजबूत किस्म की नहीं होती, क्योंकि गरीब इलाका है ना यार। जहाँ पर अच्छा इलाका होगा, डिफेंस क्लिफ्टन का होगा, वहाँ पर रोड अगर बनाने के बाद एक साल बाद टूट गया तो वो जो DHA क्लिफ्टन वाले हैं, कंटोनमेंट बोर्ड वाले हैं, वो तो डंडा दे देंगे, लेकिन यहाँ कौन डंडा दे? यहाँ डंडा ही जो है ना, क्या बोलूँ उस डंडे को, चलो डंडा तो नहीं, खैर अंडा ही खा लेंगे अब। तो ये है दोस्तों वो इलाका जहाँ पर करेला स्टॉप भी आएगा। करेला स्टॉप गुजर गया दोस्तों, करेला करेला करेला। और ये है बाबा मोड़। बड़ी बड़ी दूर दुनिया बाद है यार दोस्तों। क्या आप जो फ्रांस में इस वक्त बैठा हुआ देख रहा है वीडियो, जो जर्मनी में देख रहा है, इटली में देख रहा है, रोमानिया में देख रहा है, आयरलैंड में देख रहा है, थाईलैंड में देख रहा है, तुर्की में देख रहा है, इंडिया में देख रहा है, UK में देख रहा है, अमेरिका में देख रहा है, और कौन कौन से नाम नहीं लिए मैंने, कनाडा में देख रहा है, और कौन कौन से नाम नहीं लिए, जहां आप देखते हो फिर बोलते हो यार हमारे मुल्क का नाम नहीं लिया। तो
सारे मुल्कों की बात कर रहा हूँ, जिस जिस मुल्क में आप बैठ के देख रहे हो, क्या आपने पहले ये इलाका देखा? और अगर देखा तो मुझे बताएं कि पहले कैसा था, और अगर नहीं देखा तो पहली दफ़ा देख लें, ठीक है? और यहाँ पर आपका बचपना भी गुजरा, या कोई रह के जा चुका है यहाँ पे या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि 20 साल पहले तो ये बिल्कुल ही गैर आबाद था। जो 20 साल पहले जा चुके हैं वो, ये तो बिल्कुल ही गैर आबाद इलाका था। तो अब ये रास्ता सीधा जा रहा है दोस्तों नया नाज़ाबाद की तरफ, यानी कि ये बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं रुकना, ना इधर ना उधर, ना उधर ना इधर, इधर से निकले उधर डूबे, उधर डूबे इधर निकले, ये है चक्कर। और थोड़ा सा गुनगुनाना हो जाए चलो बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है। अजी तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। वाह 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 वाह, धन्यवाद। के पाग घुंघरू टन 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 टन, के पाग घुंघरू बांध ईरा नाचे रे, और हम नाचे बिन घुंघरू के पाग घुंघरू आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, अरे उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में, आपका तो लगता है बस यही सपना राम राम जपना पारा। अच्छा, मैं जब ये राम राम करते ना तो मैं ये राम नाम नहीं लेता, ये इसको कुछ सी और तरीके का बोलता हूँ, क्योंकि नाम तो सिर्फ अल्लाह का लेना चाहिए, जिसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ, ये गाना यहीं पे रोक देते हैं। अच्छा जी, तो ये है दोस्तों फटीचर सा रोड, आप देख रहे हैं यहाँ, आपने देखा सारे प्लास्टिक, ये सारे परफेक्ट सिलाई मशीन, आहा, ये भी इखलाक सिलाई मशीनों की दुकानें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी सारे जो है ना, ये नाले का बेड़ा पार हुआ हुआ है, नाले का बेड़ा गर्क हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, नाले देखें शपड़ गुल्ला हुआ है। यहाँ कोई ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, और जितनी भी मेरी मोटरसाइकिल ये पक्के रोड से कच्चे रोड पे आती है ना, तो एक अलग सा जो है ना यहाँ पे, ये देखें ये उछलती है, और अब जब उतरेगा ना, ये थोड़ा सा रोड है अभी कच्चा आ जाएगा, फिर मैं जब उतरूँगा ना फिर ऐसे ही लूँगा, तो इतना हाल देखो फिर रोड पर लग गए, ये भी रोड पर लग गए दोस्तों। अब ये बाज़ार लगा हुआ है क्या ये? ओए होए, सब्जी वब्जी बाज़ार है मेरे ख्याल से, रोड पे लग गए दोस्तों हैं? हफ्ता बाजार है ये ये रोड पे लगे हुए, और अंदर जो है ना पूरा हफ्ता बाजार लगा हुआ है। बिल्कुल रोडों पे लेके बैठे हुए दोस्तों, ये हफ्ता बाजार था। अबे पता नहीं वीडियो कब डलेगी, मैंने हफ्ता बाजार बोल दिया, चलो बोला तो सच है, सच ही बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं वीडियो इतवार को डले, पता नहीं पीर को डले हैं। अच्छा ये कौन सा है, 5G तो अभी आया नहीं है, 5G का इलाका है लेकिन 5G अभी आया नहीं है। शबशबा, अरे ये क्या है शबशबा, ये आ गया दोस्तों नॉर्थ कराची का इलाका है ये, सेक्टर 4, यहाँ पर भी कारोबार है, ज़िंदगी खुली हुई है। 20 साल पहले यहाँ पर जो है ना सन्नाटे थे, लूमड़ियाँ घूमती थी,
भेड़िए घूमते थे, और यहाँ पर जो है ना क्या नाम है उसका, अल्लाह भला करे, छछुंदरें घूमती थी। ये 1960 के अंदर बननी शुरू हुई थी या कब बननी हुई थी आप बताएं भाई, मुझे नहीं पता, आप जो पुराने पुराने से लोग हैं वो बताएं जरा। कास्ट ट्रेडर मोटर वाले बैठे हैं यहाँ पे, देखें मोटर वाले बाहर रखी हुई है, देखें ये ट्रक आ गया चावलों का भर भर के, मोटरसाइकिल वाले, यार कितने बाजार खुल गए यार, फैजाने रजा पकवान। चलो एक टूर यहाँ का भी मैंने आपको बता दिया, अल हबीब मोटर्स। अच्छा ये आ गया दोस्तों वो इलाका जहाँ पर रेड लाइन बस चलती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसा ही है ना, सही है। अगर 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 सीधे हाथ पे सीधे हाथ पे सरजानी का थाना है, सरजानी, सरजानी टाउन। यहाँ हमारा एक दोस्त रहता था, लेकिन उसका उसका घर नहीं मुझे पता, यहाँ पर ही रहता है ना। तो ये आ गया दोस्तों, ये नॉर्थ कराची का ब्लॉक 8 और 9 आ गया है ना। ये आ गया मस्जिद, कितनी खूबसूरत है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो दोस्तों अब हम यहाँ से थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा एक दोस्त है वहाँ रुकेंगे, रुकने के बाद फिर यहाँ से आगे से कट करके वीडियो आगे चलाएंगे और वहाँ तक जाएंगे, कलंद्रिया चौक तक जाएंगे मेरे ख्याल से, बस वहाँ तक कट कर देंगे क्योंकि वहाँ हमने बना चुके हैं, वहाँ तक जाएंगे फिर हम वीडियो करेंगे, आगे का फिर बाद में बनाएंगे। अभी हम जो है ना यहाँ से टर्न ले रहे हैं और यहाँ से करेंगे हम वीडियो का एंड, लेकिन इसका अभी इसका हिस्सा जो है ना इसके अंदर अटैच करना है हमने, आगे हम यहाँ से यहीं से जो है ना दोबारा इसको, चलें दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट, अगला पार्ट नहीं यानी कि इसी के हिस्से में, अल्लाह हाफिज़। चलें दोस्तों यहीं से शुरू करते हैं, जो आगे का सफ़र करना था मैंने वो थोड़ा सा लेट हो गया, दोस्त के पास बैठे हुए थे तो अंधेरा हो गया, मगरिब की अजान हो रही है, तो अब चाहेंगे बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहाँ अंधेरा हो जाएगा वहीं पर वीडियो का करेंगे एंड।
अल्लाह वाली की तरफ जा रहा है, और यानी कि हम बल्कि यहीं से चाहेंगे इजाज़त। अंधेरा हो रहा है, लाइटें जल गई हैं, यहीं से चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।